तुझे वाकई कोई चीज चाहिए अल्लाह ताला से, तुझे कुछ चाहिए चीज अपने रब से, तो क्यों नहीं उसके आगे गिड़गिड़ा के अपनी फरियाद को पेश करता। और ये फरियाद को पेश करने का जो एटिकेट्स हैं, जो मैनर्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप दुआ मांगे, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। कोई भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और आखिर तक इसको पढ़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ इसके बगैर होगी ना, कि पहले जिसमें हम्दो सना नहीं था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं था, तो वो दुआ जो है वो हवा में मुअल्लक रह जाती है, यानी कि वो पहुंचती नहीं आगे। तो इसलिए दुआ मांगने के एटिकेट्स हैं।